नमस्कार दोस्तों, मैं करने को सर और आपसे का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को सिखाने वाला है कि रात में किस तरह से कार को ड्राइविंग करना चाहिए। काफ़ी दिनों से राजीव कैफे का कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ एक बार आप बता दीजिए कि रात में किस तरह से कार को चलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बात दोस्तों कि अगर आप रोड के किनारे गाड़ी को खड़े हैं, जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर रोड है, ठीक है, और रोड के काफ़ी हम साइड पर गाड़ी को खड़े किए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कभी भी इस तरह से गाड़ी को आप खड़े करते हैं तो आपको सिर्फ पार्किंग लाइट जला के रखना है, जिस तरह के अभी हम रखे हैं। हेडलाइट जलाएं, हेडलाइट नहीं जलाएं, सिर्फ पार्किंग लाइट को जलाया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप रोड के किनारे हैं, मतलब रोड पे हल्का भी एक भी चक्का चढ़ा हुआ है, तो उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, हैजार्ड लाइट जलाना है। वो भी दिखाते हैं आपको हम, बिल्कुल इस तरह से दोस्तों, ठीक है। अगर आप बिल्कुल रोड के किनारे में खड़ा है, जिससे आपको लग रहा है कि हमारा गाड़ी रोड पर है, तो आपको हैजार्ड लाइट उस जगह पर ऑन करके क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी का हेडलाइट के पास जाना है। और हेडलाइट के पास जाते ही सबसे पहले आपको पहला काम है कि हेडलाइट को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, दोनों हेडलाइट को। देखिए मेरे हाथ में कपड़ा है और हेडलाइट को हम सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं। तो हेडलाइट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना दोस्तों इस तरह से, ठीक है। फॉग लाइट है तो फॉग लाइट को भी साफ़ करना है इस तरह से, हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये देख सकते हैं जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना है, बहुत ही अच्छा कपड़ा से साफ़ करना है, ठीक है। एक भी दाग वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर आप रात में ड्राइविंग करना है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा इस शीशा को, इस शीशा को बहुत ही अच्छी तरह से आपको साफ़ करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, काफ़ी तरह का टेक्निक है कि आप उस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी साफ़ कीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोस्तों आप एक बोतल में पानी लीजिए हल्का सा, और हाथ में इस तरह से लीजिए पानी को, और हल्का सा छिट्टा मार दीजिए पानी शीशा में, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर जाके उस पर पूरा हल्की धीरे धीरे उसमें रगड़िए, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फिर से पेपर लीजिए और फिर से अच्छी तरह से साफ़ करिए। न्यूज़ पेपर से क्या होता है दोस्तों, जितना भी गंदगी है वो निकल जाता है, मतलब बिल्कुल आपको हल्का हल्का जो दाग रह जाता है शीशा में, जो कपड़ा से हम लोग साफ़ करते हैं उस वक्त नहीं होता है दोस्तों, तो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब कार के अंदर बैठते हैं और कार के अंदर क्या क्या चेंजिंग करना है दोस्तों, वो चीज़ आपको बताते हैं हम। तो कार के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या चेंजिंग करना है, वो चीज़ सबसे पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा किस तरह से हेडलाइट को ऑन करते हैं और किस तरह से ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ से हेडलाइट को ऑन करते हैं, एक बार करेंगे तो पार्किंग लाइट जला जाएगा, दूसरे बार करेंगे तो लाइट जला जाएगा, ठीक है। हेडलाइट मतलब मेन हो गया। अब इसको ऊपर करेंगे, ऊपर की ओर, इधर की ओर, ठीक है, अपनी ओर किए हम तो डिपर हो गया, देख सकते हैं। अब इसको नीचे करेंगे हम तो ये अपर हो गया, देख सकते हैं। यहाँ से देखिए डिपर हो गया, ऊपर किए हम, और उस साइड करेंगे, नीचे की साइड करेंगे हम, देखिए नीचे साइड करेंगे तो क्या होगा, अपर हो जाएगा। तो ये अपर डिपर, ठीक है। और आपको तो अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो इस तरह से ही आपको करके चलाना है, डिपर में करके चलाना है। देखिए ये अपर है तो डिपर में करके आपको चलाना है। और उस वक्त अगर कोई गाड़ी पास लेना हो तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा, फिर इस तरह से कीजिएगा पासिंग लेने के लिए, इस तरह से नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। उस वक्त आप क्या कीजिएगा, ये डिपर में ही रहेगा और बस आपको हाथ को हल्का से ऊपर नीचे करना है, इस तरह से इसको दबाना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से दबाना है, देखिए इस तरह दबा रहे हैं हम, छोड़ दे रहे हैं, ये डिपर में ही रहता है, ठीक है। दबाएं, छोड़ दिए तो डिपर हो गया, हल्का सा दबाएं तो ये अपर हो गया। इस तरह से पासिंग लेना है, देखिए इस तरह से पासिंग लेना, ठीक है, इस तरह से कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से पासिंग लेना है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी को डिपर करके रखना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं डिपर में हमारा जो लाइट है बिल्कुल सामने में है, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं लाइट एडजस्टमेंट करने को ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे हम बटन को क्या करेंगे, हम जीरो पे ले आएंगे, मतलब फिफ्थ पे है, देख सकते हैं। जैसे हम इसको जीरो करेंगे इस तरह से, ठीक है, वो लाइट हमारा क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे दूर तक चला जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। डिपर में ही लाइट है लेकिन बहुत दूर तक जा रहा है लाइट। और एक बार आपको दिखाते हैं, अगर हम इस लाइट को फिर से हम फिफ्थ पॉइंट पे ले आएंगे, देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पे कर दिए तो देख सकते हैं लाइट हमारा बिल्कुल सामने की ओर, सामने की ओर आ रहा है, देखिए आ गया ना। तो इसको क्या करते हैं, फिर से हम जीरो कर देते हैं। तो मतलब आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि डिपर में आपका लाइट काफ़ी दूर तक चला जाएगा। तो आप क्या करना है दोस्तों, जैसे आप केबिन में बैठ जाइएगा तो ये वाला IRBM मिरर को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, जैसे नाइट ड्राइव मोड में आपको कर लेना है, ठीक है।
और ओ आर बी एम मिरर जो होता है बाहर वाला मिरर, उसको भी हल्का से इस तरह से आपको सेट करना है जिससे कि जो पीछे से जो गाड़ी है यार उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में ना आए, इस तरह से आपको सेट करना है। यह तो हालांकि हो जाता है, एक बटन यहाँ पे दिया गया है नाइट मोड और डे मोड, तो इसको हम क्या करेंगे नाइट मोड में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दोस्तों क्या करना है, अंदर की जितना भी लाइट है जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग लाइट यहाँ पे जल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको केबिन को अंधेरा रखना है। केबिन को आप जितना अंधेरा रखिएगा उतना ही अच्छा आपको बाहर की दृष्टि आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए केबिन की लाइट हमेशा देखे होंगे आप लोग ट्रक ड्राइवर को, वो हमेशा कम करके रखते हैं, मतलब बिल्कुल बंद करके रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड में लाइट जो है काफ़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक प्लेयर अगर आपका ऑन है, तो अगर म्यूजिक प्लेयर को आप नहीं बजा रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसको ऑफ ही कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट है इसको आजकल की सभी गाड़ियों में दिया गया है कि इसको आप कम कर सकते हैं लाइट को, तो देखिए यहाँ से एक बटन दिया गया है जिसको हम यहाँ से लाइट को डिक्रीज कर सकते हैं, तो जितना भी लाइट हमारा यहाँ पे था बिल्कुल कम हो चुका है। अब यहाँ पे जब लाइट कम हो गया है तो बाहर का देख सकते हैं हम बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको ड्राइविंग करके सिखाने वाले हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सीट बेल्ट बांध लेना है, सीट बेल्ट बांध लिया हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब कभी भी आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो हेडलाइट है उसको ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हेडलाइट ऑन है और उसके बाद आप सेल्फ ले रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों आपका गाड़ी का बैटरी जो है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हेडलाइट को सबसे पहले बंद करना है, ठीक है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी जैसे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों उसके बाद आपको हेडलाइट को ऑन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप रोड पे आते हैं तो सबसे पहला दिक्कत आपको क्या होता है कि अगर उधर से कोई भी गाड़ी आता है तो उस वक्त आपका क्या होता है बिल्कुल आप चुंधे रहते हैं, आपकी आंखों में और कुछ दिखाई नहीं देने लगता है। जैसे आप उस लाइट को देखते हैं और आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब आपका आँख जो है बिल्कुल चुंधे जाता है। वो किस लिए होता है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की। अकॉर्डिंग टू साइंस जैसे कोई भी लाइट हमारा आँख में इंटर करता है तो क्या होता है रेटिना का साइज छोटा हो जाता है। जैसे रेटिना का साइज छोटा हो जाएगा तो कुछ पल के लिए हमें मतलब कुछ दिखाई देने नहीं लगता है। उसी तरह होता है जैसे हम गाड़ी को हम लाइट को देखते हैं, मतलब आंखों में अगर डाल के देखते हैं तो क्या होता है हमारा आंख में बिल्कुल लाइट जा रहा है और हमारा रेटिना का साइज जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है और इसलिए हमें जो है बिल्कुल थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। इसलिए क्या करना दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार आ रहा है उस साइड से, ठीक है, तो उस कार को लाइट को मुझे नहीं देखना है, उस लाइट की जगह पे हमको क्या देखना है इस वाले जगह पे रोड को देखना है, नीचे में रोड को मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ना कि लाइट्स पे, उस गाड़ी का लाइट पे ध्यान देना है। ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उस गाड़ी के लाइट को ध्यान नहीं देना था, आपको रोड पे ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है दोस्तों, रात में अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो कभी भी बिना मतलब का हॉर्न मत बजाइए। जैसे कि इस तरह रात में हॉर्न बजाना मतलब कानून के खिलाफ है, ठीक है। रात में आप ड्राइविंग में हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। तो अगर आपको कोई गाड़ी को पास लेना हो तो अगर सपोज डेट किया यहाँ पे तो कोई गाड़ी फिलहाल नहीं है, तो अगर कोई गाड़ी को पास लेना हो तो उसको पीछे से आप इस तरह से इंडिकेट कीजिएगा, लाइट देखा कि अपर डिपर करके आपको उस गाड़ी को इंडिकेट करना है कि भाई मुझे पास चाहिए, मुझे पास दो। वो अगर पास देगा तो वो आपका राइट साइड का जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर को ऑन कर देता है, जिससे कि आप समझ पाइएगा कि वो कार मुझे पास दे दिया है, अब हम जा सकते हैं। तीसरा चीज ये ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं उधर से जो बाइक आ रहा है और हम क्या करते हैं कभी कभी अपर लाइट में चलाते हैं, ठीक है, और मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाइक वाला आ रहा है तो भाई उसे हम डिपर देंगे, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिए कि वो जो बाइक वाला है हो सकता है आपका रिलेटिव हो, ठीक है, हो सकता है आपका फादर हो सकता है आपका ब्रदर हो। इसलिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि अपना ही कोई आदमी है भाई वो साइड में, ठीक है, इसलिए हम उससे बेटर है वो पास ना मांगे, उससे पहले हम आप बाइक वाले को पास दे दे, मतलब डिपर दे दे, सॉरी पास बोल रहे हैं, उससे पहले ही अपने गाड़ी को लाइट को जो है डिपर कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी दूसरा पर्सन को गलत मत समझिए, हो सकता है कि वो आपका फादर हो, वो आपका ब्रदर हो, इसलिए बाइक वालों को हमेशा इज्जत देना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम कार पे चढ़ गए हैं इसका मतलब हम बहुत बड़ा आदमी हैं और हम भाई क्यों दे छोटे छोटे बाइक के लिए हम हमेशा डिपर क्यों करते रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है, हमेशा अगला पार्टी अगला आदमी को आपके भाई जैसा समझना है।
अब देखिए हम यहाँ पे कोई गाड़ी को अगर हम ओवरटेक करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इस तरह से अपर डिपर करेंगे तो वो क्या करेगा, ये तो ये नॉर्मल जगह पे है, मतलब सिटी जगह पे, इसलिए क्या करेगा वो इंडिकेटर को नहीं चला रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर हाईवे रोड पे चला रहे हैं और आगे का कोई ट्रक है तो आपको इस तरह से पासिंग लेना है। देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ठीक है। सपोज डेट कि मैं हाईवे अभी रोड पर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि यही मारुति जो है अभी ट्रक है, ठीक है, और हम हाईवे रोड पर चल रहे हैं, हाईवे रोड पर चल रहे हैं, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं रहता है, हाईवे रोड पर बिल्कुल आप डिपर अपर लाइट को करके चला सकते हैं, ठीक है। अब इस गाड़ी को मुझे ओवरटेक करना है तो हम यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से अपर डिपर करेंगे। तो अगर वो कार वाला समझेगा कि आगे जगह है तो वो कार वाला क्या करेगा, राइट साइड वाला इंडिकेटर को जला देगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे रास्ता क्लियर है और हम मुझे जाना चाहिए। देखिए ये वो बिल्कुल कार साइड हो चुका था, भले ही वो इंडिकेटर को नहीं जलाया था, लेकिन जितने भी ट्रक वाले ड्राइवर होते हैं ना वो बिल्कुल समझ जाते हैं इस लाइट से। जब हाईवे रोड पे कभी भी कार को चलिएगा तो बिल्कुल ट्रक वाले समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा मुझे पास मांग रहा है, मुझे पास देना चाहिए, और इस तरह से वो अपने राइट साइड वाले इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं, जिससे आपको समझ जाना है कि वो जो ट्रक है मुझे पास दे चुका है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों जी, अचानक से उधर से कोई कार आ रहा है, ठीक है, और कोई भी कार जो है ओवरटेक कर रहा है, तो उस वक्त आप बिल्कुल थोड़ा सा रात का टाइम है, आप बिल्कुल रोड के साइड को इस तरह से उतार के गाड़ी को मत ले जाइएगा। हो सकता है लाइट में आपको घास दिखाई दे रहा है लेकिन वो गड्ढा बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे बेटर ये हुआ कि अगर उधर से कोई ओवरटेक कर रहा है, वो बहुत जल्दीबाजी में है, तो भाई मेरे को ही स्लो हो जाना पड़ेगा। इस तरह से अगर कोई आ रहा गाड़ी तो बिल्कुल थोड़ा सा साइड होके स्लो हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने गाड़ी को बढ़ाएंगे, भाई जाने दो अगला पार्टी को, उसके बाद हम जाएंगे। और एक चीज दोस्तों, रात का टाइम में जिस रोड पे आप कभी ना जाते हो, कभी आना जाना ना उस रोड पे हमेशा लिमिट स्पीड में चलिए, बहुत ज्यादा स्पीड में आपको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस रोड को देखे नहीं है। जिस रोड पे आप बराबर आते जाते रहते हैं उस रोड का अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे जर्क है, उससे आप बिल्कुल रूबरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको उस रोड पे टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन उस आप अगर कोई न्यू रोड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल उस जगह पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। और एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो इस मिरर से आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको अगर ओवरटेक करना चाह रहा होगा तो इस लाइट में आपको क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, अपर डिपर का ऑप्शन आएगा, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा पास दे रहा है बार बार, तो इससे आपको अंदाजा लगा देना है कि वो बंदा मुझे पास मांग रहा है, और आपको उस वक्त आपको क्या करना है, इंडिकेटर को राइट वाला इंडिकेटर को ऑन कर देना है, जिससे उसको आपको समझ में आ जाए कि भाई मुझे ये पास दे दिया, अब हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे राइट टर्न ले लेते हैं, और रात में कभी भी दोस्तों गाड़ी को टर्न लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना है कि आगे पीछे कोई गाड़ी है क्या, तभी आपको टर्न लेना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स से जाके कमेंट क्या कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।